हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 11 कॉमर्स में बिजनेस स्टडी में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो नॉर्मली हम बात करें तो बिजनेस की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगर हम ऐसे बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस से कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाए। ठीक है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस थ्रू प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर और टू द कंज्यूमर ऑफ द एंड यूजर ऑफ द गुड्स। तो अगर हम फर्स्ट बात करें तो हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। जो बिजनेस मैन होता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, प्रोड्यूस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो उसको प्रोडक्शन करना, ठीक है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आप प्रोडक्शन कर लेते हो और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो या फिर सेल नहीं करते हो तो आपको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन करना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स और सर्विसेज का फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, यहाँ पर मेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और प्रॉफिट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, अगर सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो री इन्वेस्ट द प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे अर्न किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस एंटरप्राइजेज में। अगर हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो री इन्वेस्ट करके हम लोग कैपिटल का जनरेशन कर सकते हैं थ्रू री इन्वेस्टिंग। उस प्रॉफिट को फर्दर उस बिजनेस में एम्प्लॉय करके हम लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के ग्रोथ को कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर हम और हमारी सपोज करें एक ब्रांचेज हैं तो उस ब्रांचेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पर कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट, जब हमारी कॉस्ट जो होता है वो रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए तो लॉस हो जाता है। अगर हमारी रेवेन्यू जो कॉस्ट से एक्सीड कर जाए तो हमारे प्रॉफिट हो जाते हैं। तो जब हमारे प्रॉफिट जो है रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मेन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, री इन्वेस्ट द प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन। ये ऑब्जेक्टिव भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये अगर हम ये ऑब्जेक्टिव लेकर के बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस बहुत ही लॉन्गर रन पे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हमने कस्टमर को अच्छा सर्विस दिया विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ग्रोथ होने के ज़्यादा चांस है, हमारी बिजनेस क्या होगी, एक्सपेंशन होगा। इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टर ने हमारे कंपनी में या फिर फर्म में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अगर हम उसको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनको अच्छा रिटर्न दे पा रहे हैं तो हमारे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, हमारे बिजनेस का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में बढ़ेंगे जिससे हमारे ग्रोथ बढ़ जाएंगे। सोसाइटी के रिगार्ड में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, जो उनको हेल्दी हो, जो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया है उनको वो उनसे वो वैल्यू रिसीव हो रहा हो। 10,000 का अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो 10,000 की वैल्यू भी उनको रिसीव्ड मिलना चाहिए, ऐसा ना वो अपने आप को चीटिंग ना फील करें कि हम वी हैव चीटेड बाय दिस कंपनी। जैसे सपोज करें आपने कोई फ्रॉड कंपनी में कोई प्रोडक्ट ख़रीद लिया, आपको चीपर भी मिल सकता है, महंगे रेट पे भी ख़रीद सकते हैं, तो आपको क्या फील करोगे कि आपके कंपनी ने आपको चीट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हम देखते हैं कि कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस होते हैं, ये तो होते हैं ऑब्जेक्टिव हमारे, थर्ड कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे
फर्स्ट हमारा क्या है, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग से मतलब है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारे कंपटीटर्स भी होते हैं, तो उन कंपटीटर्स के अगेंस्ट में हम कैसे अच्छे से स्टैंड कर रहे हैं, कैसे कंपटीटिव एडवांटेजेस हम ले रहे हैं मार्केट में, हम कैसे उनसे कम्पीट कर रहे हैं, अपना पोजीशन हम मार्केट में क्या स्टैंडर्ड कर पाए। सपोज करिए कि मार्केट में जो शेयर है आपका कितना शेयर है, 1/4 शेयर है या फिर छोटा शेयर है, तो उस शेयर को हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं। मार्केट में स्टैंड करना है तो आपको अच्छा सर्विस देना होगा, अच्छे प्रोडक्ट बनाने होंगे और अच्छे से वर्क करना होगा। तो हम कितना स्टैंड ले रहे हैं मार्केट में, ये हमारा मार्केट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस में आ जाते हैं। और देन सेकेंड हमारा आ जा रहा है इनोवेशन। हमको बिजनेस में लॉन्ग रन में अगर वर्क करना है तो इनोवेटिव प्रोडक्ट हमको हमेशा लॉन्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा गुड आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ आपके पास हमेशा होने चाहिए। न्यू आइडियाज़ होंगे तो आप न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट कर पाएंगे, अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी जो प्रोडक्ट से और कंज्यूमर से अच्छे से लिंक्ड अप रहेगा। तो ये हमारे सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि इनोवेटिव वे में हम वर्क करें या फिर सोचें, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाए प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मतलब कि हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उससे हम प्रोडक्टिविटी अच्छा ले रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हमारे जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, हम उनसे कॉस्ट से अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट हम मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव, कि जो हमने वैल्यू उस पर इन्वेस्ट किया है वो उसके कंपेयर में हम लोग उससे आउटपुट ले रहे हैं। सपोज करिए कि आपने रॉ मटेरियल पे ज़्यादा कर दिया इन्वेस्ट, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ गई, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी पे हमको ध्यान देना है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मतलब है कि हमारी ऑब्जेक्टिव होती है कि हम अच्छे मशीनरीज, प्लांट, मशीनरी, ऑफिसेज वेल इस्टेब्लिश करें, जिससे हमारे ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हमारा मतलब है कि बैंकिंग और ऐसे फंड्स को हम हमेशा रेडी रखें जिससे हम बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकें, बैंकिंग रिलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हमारा टू अर्न प्रॉफिट। हम प्रॉफिट को क्या करें, अर्न करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न करें। जो हमने कॉस्ट इम्प्लॉय किया उससे हम अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हो गया। सिक्स्थ हमारा हो गया मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। जो वर्क उनको असाइंड है मैनेजर्स को, कि वो उसको प्लान वे में वो कोऑर्डिनेट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं, हमको ये देखना है कि बिजनेस का जो ग्रोथ है वो मैनेजर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और उनके डेवलपमेंट पे करता है, उनके न्यू थॉट और उनके प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके उनको मोटिवेट करके हम अधिक से अधिक बिजनेस के ग्रोथ को कर सकते हैं। इसलिए मैनेजर्स का परफॉर्मेंस और उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे करके हम लोग गोल को अचीव कर सकते हैं। कुछ हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जॉब प्रोवाइड करने, ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना, और डोनेशन से रिलेटेड है कि जो इन केस कभी ज़रूरत हो तो डोनेशन, स्कॉलरशिप, और कोई ऐसे प्रोडक्ट को हम ना बनाएं जिससे जो सोसाइटी में इसका डिसएडवांटेजेस हो, लोगों के हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट ना दे रहा हो, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, और एक हाइजीन प्रोडक्ट का हमको डेवलपमेंट करना, ये हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, जिसको हमको अच्छे से फुलफ़िल करना चाहिए। वर्कर परफॉर्मेंस एंड देयर एटीट्यूड। अगर आपके पास गुड वर्कर्स हैं, गुड एटीट्यूड्स के साथ, अच्छे एटीट्यूड्स के साथ आपके साथ कोलाबरेट करके वर्क कर रहे हैं, तो वर्कर की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी, मोटिवेटेड होंगे, तो हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली है कि हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने के साथ हमारे
बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस है, हम अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारे मोटिवेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के वो सभी फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ लिया है, आई होप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो बिजनेस रिस्क करेंगे। ओके, थैंक्स।